हे गाइस, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का, जिसको हम यूजुअली टॉस कहते हैं, राइट। सो इस पूरे सीरीज में मैं आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के सारे यूनिट्स कवर करने वाला हूँ और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे मैं इस पूरे वीडियो सीरीज़ में कंप्लीट करके दूंगा, ताकि आप एग्ज़ाम्स में अच्छे तरीके से मार्क्स ले सकें। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमें क्या समझ में नहीं आया, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर पाऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे कॉलम्स के ऊपर कितने लोड आते हैं, कितने टाइप्स के लोड होते हैं। तो सबसे पहला लोड होता है, वो होता है डायरेक्ट लोड, और दूसरा होता है इसेंट्रिक लोड। डायरेक्ट लोड जो होता है उसको हम पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसेंट्रिक लोड को हम पी ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप कहेंगे सर, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। जी हाँ, ये ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप इसको ध्यान में नहीं रखते हैं तो एग्जाम में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि डायरेक्ट लोड के डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में और इसेंट्रिक लोड के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डायरेक्ट लोड के दो भाई थे, पहला भाई है डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड और डायरेक्ट टेंशन लोड। ऐसे दो भाई है, पहला है डायरेक्ट कंप्रेसिव और दूसरा भाई है डायरेक्ट टेंसाइल लोड। तो कंप्रेसिव लोड और टेंसाइल लोड को दूसरे नाम भी है, वो है एक्सियल कंप्रेशन लोड एंड एक्सियल टेंसाइल लोड, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर, कंप्रेशन और टेंशन का मतलब क्या होता है? तो सबसे सिंपल चीज मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। देखो, अगर आपके पास एक ऐसा बक्सा है, ठीक है, और एक बक्सा, दो बक्से मैंने यहां पे बना दिए। अभी यहां पे कंप्रेशन और टेंसाइल, कंप्रेशन एंड टेंसाइल, ये दो शब्द आपको यहां पे दिख रहे हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं कंप्रेशन, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका टेंसाइल। तो कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? लोड किस तरीके से लगता है? लोड जो है इस तरीके से लगता है, मतलब चीजों को अंदर की तरफ लाने का काम करना, किसी भी मटेरियल का वॉल्यूम यहां से लेके ऐसे लेके जाना, अंदर की तरफ पुश करना, उन चीजों को कंप्रेशन लोड कहते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर मैं वही अगर बात कहूं कि टेंसाइल लोड के बारे में, ठीक है, टेंसाइल लोड मतलब क्या होता है? टेंसाइल लोड मतलब जो वॉल्यूम होता है ना, उस वॉल्यूम को दोनों साइड से खींचना, ठीक है। मतलब उसकी लेंथ पहले इतनी थी, अब उसकी लेंथ इतनी हो गई। मतलब वेरी शॉर्ट, अगर आपके पास इरेजर है, जब आप इरेजर को दोनों साइड से दबा रहे हो, इसका मतलब आप कंप्रेशन लोड अप्लाई कर रहे हो। अगर इरेजर को आप दोनों एंड से पकड़ के खींच रहे हो, इसका मतलब आप टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो डायरेक्ट लोड के कितने भाई थे? पहला था डायरेक्ट कंप्रेशन और दूसरा था डायरेक्ट टेंसाइल लोड। ये अगर नोट्स आपको पढ़ने हैं तो ये मैं मेरी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल कराऊंगा, जिसका नाम है www.civilnotes.com, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर मैं अवेलेबल कराऊंगा, जल्दी अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। जैसे आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, आपके नोट्स वहां पे आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, डायरेक्ट लोड खत्म होने के बाद अभी हम उसके डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्रेशन लोड मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ लोड अप्लाई होना दोनों साइड से। तो यहां पे लोड कहां पे अप्लाई होगा? इस तरीके से अप्लाई होगा, जिसको हम करेंगे पीसी, ठीक है। और डायरेक्ट टेंसाइल लोड मतलब क्या हो गया? कि बाहर की तरफ लोड अप्लाई होगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? पीटी। अब ये नॉमेनक्लेचर भी आपको ध्यान में रखना काफी जरूरी है, ठीक है। अगर आप ये ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपको काफी दिक्कत हो सकती है। अभी आपके एग्जाम में आपको एक दो मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके, कि डायरेक्ट लोड मतलब क्या। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आपका आंसर एकदम सिंपल तरीके से होना चाहिए। मैं यहां पे आंसर लिखता हूं दोस्तों, ठीक है। आंसर आपका ऐसा होना चाहिए, द लोड, ओके, विच एक्ट एग्जैक्टली, ओके, विच एक्ट एग्जैक्टली, ठीक है, along the centroidal axis, okay, the centroidal axis of a body, okay, then
इट इज नोन एज डायरेक्ट लोड। अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब समझाओ, तो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। डायरेक्ट लोड, फिर वो कंप्रेशन हो या टेंसाइल हो, ये ऐसा लोड होता है जो किसी भी बॉडी के सेंट्रोइडल एक्सिस से ट्रैवल करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपको लिखना, अगर आप ये सेंटेंस लिखना भूल जाते तो आपको 2 मार्क नहीं मिलेंगे। अब ये आंसर लिखने के बाद मतलब इसका मीनिंग ये होता है, द लोड, ऐसा लोड विच एक्ट एग्जैक्टली अलोंग द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ अ बॉडी, मतलब ऐसा लोड जो बॉडी के एकदम सेंटर में से ट्रैवल करता है, देन इट इज नोन एज अ डायरेक्ट लोड। और उसके बाद आपको लिखना है कि डायरेक्ट लोड, ओके, डायरेक्ट लोड हैविंग, ओके, टू टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज एक्सियल या फिर डायरेक्ट, ऐसा लिखना है, डायरेक्ट कंप्रेसिव, ठीक है, डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड, और दूसरा होगा आपका डायरेक्ट टेंसाइल लोड, ठीक है। ऐसे 2 टाइप आपके होंगे, इतना आपको आंसर लिखना है और ये डायग्राम आपको निकालनी है, तब जाके आपको 2 मार्क मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात हमारी बात हो गई डायरेक्ट लोड के बारे में, लेट्स टॉक अबाउट द इसेंट्रिक लोड। अभी इसेंट्रिक लोड मतलब क्या होता है, पहले मैं इसके डेफिनेशन आपको लिख के बताता हूं। इसेंट्रिक लोड मतलब द लोड, ठीक है, द लोड विच एक्ट अवे, देखो मैंने क्या लिखा, अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ अ बॉडी, राइट, क्या लिखा मैंने, ऐसा लोड, डायरेक्ट लोड क्या होता था, ये एक्सिस बॉडी के सेंटर में से यहां से ट्रैवल करता था, लेकिन इसेंट्रिक लोड क्या होता है, वो सेंट्रल जो सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी से ट्रैवल नहीं करता, वो या वहां से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ट्रैवल करता है, और उतना जो डिस्टेंस होता है, इतने डिस्टेंस से ट्रैवल किया, तो इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो ई हो गया, दिस इज इसेंट्रिसिटी, ठीक है, और इसेंट्रिसिटी हो गया, और ये जो लोड आएगा ये कौन सा आएगा, दिस इज पीई, राइट। एकदम सिंपल लाइन में अगर कहे तो व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड और फोर्स इज नॉट कोइंसाइडिंग विद द एक्सिस ऑफ बॉडी, मतलब एक्सिस ऑफ बॉडी से अगर कोई लोड नहीं जाता है, उससे थोड़े डिस्टेंस से जाता है, उस लोड को इसेंट्रिक लोड कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसको और दूसरा नाम है, आपको क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि प्लीज एक्सप्लेन द लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी, ठीक है, ये भी आपको बताना काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, अभी हमारा दूसरा टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, ओके, इनके न्यूमेरिकल में सारे एक्सप्लेन करने वाला, आपको वीडियो लास्ट तक देखना काफ़ी ज़रूरी है, अगर आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। सो टाइप ऑफ स्ट्रेसेस क्या होते हैं, कौन से टाइप के स्ट्रेसेस होते हैं, ठीक है, ड्यू टू एक्शन ऑफ डायरेक्ट और इसेंट्रिक लोड्स द बॉडी मे एग्जर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है। स्ट्रेसेस 2 तरीके से होते हैं, पहला होता है यहां पे लिखता हूं और दूसरा यहां पे लिखता हूं, पहला होता है डायरेक्ट स्ट्रेसेस, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेसेस, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है बेंडिंग स्ट्रेसेस, आपने काफी बार सुना होगा डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में, राइट, ठीक है। पहला हो गया आपका डायरेक्ट स्ट्रेसेस, ठीक है, गलत लिख दिया क्या मैंने, राइट, पहला होता है डायरेक्ट स्ट्रेसेस, दूसरा होता है बेंडिंग स्ट्रेसेस। अभी डायरेक्ट स्ट्रेसेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट स्ट्रेसेस को सिग्मा नॉट से, ठीक है, सिग्मा ओ हम बोल सकते हैं, और बेंडिंग स्ट्रेसेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा, ओके, जस्ट अ मिनट,
सिग्मा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट स्ट्रेसेस मतलब क्या होता है? ठीक है, तो यहां पे देखो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखूंगा अभी। ठीक है, द स्ट्रेसेस, ठीक है, द स्ट्रेसेस विच आर प्रोड्यूस ड्यू टू डायरेक्ट लोड, ड्यू टू डायरेक्ट लोड आर कॉल्ड एज दी डायरेक्ट स्ट्रेसेस। मतलब डायरेक्ट लोड के वजह से जो स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं उन स्ट्रेसेस को डायरेक्ट स्ट्रेसेस कहा जाता है। देन वॉट अबाउट बेंडिंग स्ट्रेसेस? बेंडिंग स्ट्रेसेस मीन्स द स्ट्रेसेस विच आर प्रोड्यूस ड्यू टू इसेंट्रिक लोड्स आर नोन एज अ बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो यहां पर लिख देते हैं हम द स्ट्रेसेस produce due to eccentric loads called as a bending stresses। अब direct stresses का formula क्या होगा दोस्तों? फिर direct stresses का अगर हम formula देखा जाए तो direct stresses तो sigma o equals to PO upon area। देखो डायरेक्ट स्ट्रेसेस, डायरेक्ट लोड किसके ऊपर आता है? एक बॉडी के ऊपर एक्ट होता है, तो बॉडी को क्या होता है? एरिया होता है, उस एरिया के ऊपर एक्ट होता है, राइट? सो सिग्मा इक्वल्स टू पी ओ अपॉन ए। तो पी ओ क्या हो गया आपका? या आप भी जानते हैं एक्सियल कंप्रेसिव या फिर टेंसाइल लोड। ठीक है, सो दिस इज योर एक्सियल कंप्रेसिव और टेंसाइल लोड हो गया। ठीक है, और ए क्या हो गया आपका? ए इज नथिंग बट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बॉडी, राइट? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बॉडी, राइट? ये हो गया। अगर हम बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात करते हैं तो बेंडिंग स्ट्रेसेस में क्या चेंजेस आएंगे दोस्तों? फिर बेंडिंग स्ट्रेसेस में जो चेंजेस आएंगे वो ऐसे आएंगे कि सिग्मा बी इक्वल्स टू लोड तो रहेगा, उसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा आपका? इसेंट्रिसिटी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां पे सेक्शन ऑफ मॉडुलस हम इन्वॉल्व करते हैं जो कि हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको एक दो चीजें और एक्सप्लेन करता हूं। एक तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इसी फार्मूले को आप बेंडिंग मूवमेंट जो प्रोड्यूस होते हैं, मतलब एम इज इक्वल टू पी इंटू ए डिवाइडेड बाय जेड, तो ये दो फार्मूले यूज कर सकते हैं। एम इक्वल्स टू क्या हो गया? अगर देखा एम इक्वल्स टू पी इंटू ई हो गया, अगर इसको शॉर्ट करना है तो यहां पे एम का मीनिंग क्या है दोस्तों? ठीक है, एम मतलब हो गया है बेंडिंग मूमेंट प्रोड्यूस, ओके, बेंडिंग मूमेंट प्रोड्यूस, ठीक है, विच इज पी बाय ई, पी मल्टीप्लाई बाई ई। और यहाँ पे जो P क्या हो गया? फिर P हो गया आपका इसेंट्रिक लोड, डायरेक्ट लोड नहीं होगा, ये इसेंट्रिक लोड हो गया। ठीक है, इसेंट्रिक लोड, ठीक है। E क्या हो गया आपका? E हो गया आपका इसेंट्रिसिटी, ठीक है। और आपकी Z क्या हो गया? Z इज योर सेक्शन मॉडुलस, राइट? सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस कैसे दिया जाता है? सेक्शन मॉडल आपका I बाय Y से दिया जाता है। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस मतलब ऐसे स्ट्रेसेस जो डायरेक्ट लोड के वजह से जनरेट होते हैं, उनका फार्मूला है सिग्मा नॉट इक्वल टू पी नॉट बाय ए। और बेंडिंग स्ट्रेसेस जो जनरेट होते हैं वो जनरेट होते हैं इसेंट्रिक लोड के वजह से। ठीक है, नाउ ये तो हो गया टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, बट वॉट अबाउट मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस? ठीक है, ये भी आपको जानना जरूरी है कि मैक्सिमम स्ट्रेसेस और मिनिमम स्ट्रेसेस में क्या फर्क है। तो हम यहां पे भी लिखेंगे, यहां पे मैं लिखता हूं मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेसेस और मिनिमम स्ट्रेसेस में क्या फर्क है? देखिए, जो डायरेक्ट लोड जो होते हैं ये सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेसेस जनरेट करते हैं, और इसेंट्रिक लोड क्या होते हैं?
ये डायरेक्ट और बेंडिंग दोनों स्ट्रेसेस जनरेट कर सकते हैं। इसके वजह से क्या है, जो रिजल्टेंट स्ट्रेसेस आते हैं बॉडी के ऊपर, वो हम मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसेस के रिस्पॉन्स में आइडेंटिफाई करके देते हैं। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेसेस होते हैं, इसके भी दो कैटेगरीज है, ठीक है, ये इधर लेगा, ये इधर लिखूंगा, ठीक है। तो मी कहते मैक्सिमम, ठीक है, स्ट्रेसेस, या फिर आपको बोलेंगे कि डिटरमाइन द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा मैक्स से, और यहां पे हम लिखेंगे मिनिमम स्ट्रेसेस, ठीक है, मिनिमम स्ट्रेसेस, ठीक है। वो कैसे देंगे, हम सिग्मा मिनिमम से देते हैं। तो सिग्मा मैक्स का क्या फॉर्मूला होगा दोस्तों, ये होगा डायरेक्ट स्ट्रेसेस प्लस कंप्रेसिव, मतलब आपका बेंडिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। बट यहां पे ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेस जो रहेगा, जो बेंडिंग स्ट्रेस रहेगा, इट विल बी एक्ट एज अ व्हाट, ये रहेगा आपका कौन सा, कंप्रेसिव, ठीक है, क्योंकि आप मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल रहे हैं। जब आप मिनिमम स्ट्रेसेस निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला रहेगा सिग्मा मिनिमम इक्वल्स टू डायरेक्ट स्ट्रेसेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेसेस। बट यहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेसेस रहेंगे, ये कैसे रहेंगे दोस्तों, दिस विल बी एक्ट एज अ टेंसाइल, ठीक है। तो इस टाइप का आपका फार्मूले का सेशन आज यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे दोस्तों, तो हम बात करेंगे स्ट्रेसेस डायग्राम के बारे में, कंप्रेशन मेंबर के न्यूमेरिकल्स के बारे में जो कि एग्जाम में आते हैं, ओके। 10-15 न्यूमेरिकल तो नहीं लूंगा मैं, बट आई विल टेक अप्रॉक्सिमेटली 9 तो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा, ओके। और उसके बाद दोस्तों हम आगे इसेंसिटी और सारे के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियो सीरीज आपके लिए अच्छी रहेगी और आप इसका पूरा फायदा लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे दोस्तों, बाय बाय।